અને મહત્વના સમાચારથી શરૂઆત કલકત્તાની ઘટના બાદ આરોગ્ય મંત્રાલયે જાહેરાત કરી છે તબીબોની સુરક્ષા માટે કમિટી બનાવવામાં આવશે આરોગ્ય મંત્રાલય સાથે ડોક્ટરોના જૂથની થઈ હતી બેઠક જેમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે તબીબોની સુરક્ષા માટે એક ખાસ કમિટીની રચના કરવામાં આવશે સમિતિની રચના કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે બેઠકમાં હોસ્પિટલ સ્ટાફની સુરક્ષાની માંગ કરવામાં આવી હતી વધુ અપડેટ સાથે સંવાદદાતા અજય યાદવ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે અજય આજે બેઠક મળી હતી જેમાં કમિટી બનાવવાનો નિર્ણય देखिए निश्चित तौर पे जब से आजीकर हॉस्पिटल की ये रेप की घटना हुई है तब से डॉक्टर लगातार हड़ताल पे हैं उनके द्वारा पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है और करीब करीब सभी पार्टियों का समर्थन भी डॉक्टरों की हड़ताल को मिल रहा है लेकिन डॉक्टरों की तरफ से एक जो सबसे पुरानी मांग थी कि न सिर्फ सीबीआई से इसकी जाँच कराई जाए बल्कि डॉक्टरों की सुरक्षा का व्यापक इंतजाम होना चाहिए अस्पताल को जो है एक सेफ प्लेस घोषित केंद्र सरकार को करना चाहिए इसके लिए केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं कोई कानून बना के काम करना चाहिए लेकिन अभी चूंकि सीबीआई की मांग मानी जा चुकी है डॉक्टरों की लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टरों का एक डेलीगेशन मिला और उसमें केंद्र सरकार ने डॉक्टरों के संगठन से अपील की कि अब हड़ताल को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि मरीजों की जो संख्या है वो काफी बढ़ रही है प्रॉपर वे में इलाज नहीं हो पा रहा है और साथ ही साथ बरसाती चूंकि सीजन है तो डेंगू मलेरिया के केसेस काफी बढ़ गए हैं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए डॉक्टरों से स्वास्थ्य मंत्रालय ने या केंद्र सरकार ने अपनी हड़ताल वापस लेने की अपील की है लेकिन साथ ही साथ ये आश्वासन दिया है कि इस मामले को देखने के लिए खास करके डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के बनाने का प्रस्ताव दिया है ये कमेटी ये देखेगी कि किस तरह से जो अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो और खास करके अस्पताल में एक बेहतर सकारात्मक माहौल हो ताकि डॉक्टरों को काम करने में किसी तरह का कोई डर न हो और वो अपने काम में लगे रहें तो कमेटी बनाने का आश्वासन मिला है लेकिन साथ ही साथ केंद्र सरकार ने अपील भी की है कि डॉक्टर अपनी हड़ताल छोड़ करके वापस लौटे ताकि आम मरीज जो परेशान हो रहे हैं उनका ख्याल रखा जा सके या फिर से इलाज शुरू किया जा सके जी धन्यवाद जानकारी के लिए।